बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज की वीडियो का आगाज दुरूद इब्राहीम से। माह रमज़ान के पहले अशरे का सुबह इंशाल्लाह चौथा रोज़ा है और इसमें पढ़े जाने वाला विर्द आपको बताएंगे क्या आपने हर नमाज के बाद कौन सा विर्द पढ़ना है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब हरियत से होंगे। और माशाल्लाह माह रमज़ान का पहला अशरा स्टार्ट है और मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत फरमाई है। नमाज़े फजर, चौथे रोज़े का नमाज़े फजर के बाद पढ़े जाने वाला वर्द सूरह फातिहा है, जो आपने सात दफ़ा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालीन। सूरह फातिहा आपने नमाज फजर की नमाज के बाद सात दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद नमाज ज़ोहर पर आ जाएँ। नमाज ज़ोहर में आपकी नमाज के बाद जो विर्द करना है वो है या हय्यू या क्यूम। या हय्यू या क्यूम आपने सौ दफ़ा पढ़ना है। और नमाज ज़ोहर के बाद जो आपने विर्द करना है ना या हय्यू या क्यूम, वो आपने जब नमाज पढ़ लें तो आपने मसल्ले पे बैठ के ही अदा करना है। यानी कि जिधर आप नमाज पढ़ रहे हैं उधर ही बैठ के या हय्यू या क्यूम का विर्द करना है। नमाज असर, नमाज असर में दुआए जमीला आपने एक दफ़ा पढ़नी है। और उसके बाद नमाज मगरब, और उसके बाद नमाज मगरब का टाइम हो जाता है। नमाज मगरब के बाद आपने जो विर्द करना है वो है सूरतुल बतीन। सूरतुल बतीन आपने ग्यारह दफ़ा पढ़नी है। और नमाज इशा के बाद आपने पढ़ना सूरतुल मुज़म्मल एक दफ़ा। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।